ब्रीफ क्या होते हैं, या ब्रीफ की मदद से किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को वर्कआउट करते हैं। एडवांस वर्ड के वाले से ये टॉपिक है। तो ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, आपके पास हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, सॉरी लेआउट के अंदर ब्रीफ की ऑप्शन है। याद रखिएगा जो पुराने वर्जन थे वहां पर आपको डिजाइन एंड लेआउट का टैब भी मिलेगा, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिजाइन का टैब जो है वो इंसर्ट के टैब में और लेआउट के टैब में मर्ज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2019 है तो आपको डिजाइन का अलग से टैब मिलेगा और लेआउट का अलग से टैब मिलेगा। नाउ द थिंग इज कि मेरे पास ब्रीफ कितनी तरह के होते हैं। तो मेरे पास ब्रीफ दो तरह के हैं। एक ब्रीफ कहा जाते हैं पेज ब्रीफ, जबकि दूसरे ब्रीफ को कहते हैं सेक्शन ब्रीफ। वो दूसरी बात है कि फिर पेज ब्रेक आगे तीन तरह के होते हैं। इसमें पेज ब्रेक आ जाता है, कॉलम ब्रेक आ जाता है, एंड टेक्स्ट सेक्शन ब्रेक आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रेक चार तरह के होते हैं, जैसे ओल्ड बुक्स में आपको ये मिलेगा कि ब्रेक चार तरह के थे, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। लेकिन अब वो कहते हैं कि ब्रेक दो तरह के हैं, एक पेज ब्रेक है और एक सेक्शन ब्रेक है। जबकि पेज ब्रेक में फिर आगे तीन तरह के पेज ब्रेक है, एक पेज वाले, एक कॉलम वाले और टेक्स्ट सेक्शन वाले। जबकि सेक्शन ब्रेक फिर आगे चार तरह के होते हैं, इसमें नेक्स्ट, कंटिन्यूअस, इवन या ऑड आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो पहले ऑप्शन है पेज ब्रेक की वो यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट बना रहा हूँ, जिसको आपको समझाने के लिए हम इतना करेंगे नहीं, लेकिन एक सपोज मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये मेरा टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, और मैंने कहा कि ये मेरी फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट हेडिंग के आगे यहाँ मेरा उसका पेज नंबर आ जाएगा। एंड वी हैव टू सॉर्ट आउट इट एज फर्स्ट हेडिंग वन कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसको, पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं दूसरा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तो देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप चेक करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको किसी भी एमफिल लेवल के थीसिस डिजाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ जाकर हम मोस्टली ये करते हैं कि हम इसको एंटर दबाते हैं, क्योंकि मेरा चैप्टर जो है ये अगले पेज के ऊपर मुझे लेके जाना है, तो मैं यहाँ से अगले पेज पे लेके आया। अब मेरा एक पेज यहाँ है जिसका टेबल ऑफ कंटेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसे मैं यहाँ देख सकता हूँ, जबकि इसमें हेडिंग थी। अब मैं इसको आपको मल्टीपल पेजेस पे व्यू करवाता हूँ, जूम पे क्लिक किया, मैनी पेजेस में मैं इसको थ्री पेजेस पे व्यू कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई नई हेडिंग ऐड करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और हेडिंग एट एंटर की, फिर सेम एज इट इज मैंने पेस्ट किया हेडिंग नाइन एंटर की, एंड सो ऑन, 8, 9 एंड सो ऑन, मैं ऑनवर्ड एंटर करता जाता हूँ, तो ये पेज जो है ये एक्स्ट्रा आती जा रही है। सेम एज इट इज अगर मैं अंडू करूँ, देखें अंडू कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, अगर मैं ये पेस्ट, अब देखिए दोबारा लेके आता हूँ, रीडू कर रहा हूँ, मैं जब यहाँ पेस्ट ऐड होते हैं ना, ये लाइन ऑटोमेटिकली आगे जाती है। फिर देखिए, तो ना सिर्फ यहाँ स्पेस ऐड हो रही है, बल्कि यहाँ भी ऐड हो रही है, यहाँ यहाँ हर पेज के ऊपर मेरे पास जो मेरी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके पास जो है वो इंप्लीमेंट में आ रही हैं। यानी आपके पास यहाँ आपकी सेटिंग जो है वो चेंज हो रही है, या आपके पास चेंज होती चली जा रही है, आपको यहाँ पर तब्दील होती नजर आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेज ये यहाँ पर ब्रेक हो जाए और बाकी पेजेस से इसका लिंक कट जाए। आपने ये एक्स्ट्रा हिस्सा जो आपने एंटर दबाकर पैराग्राफ मार्क करने को कवर अप किया था, इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, और जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर किया तो आपके पास एक ऑप्शन है जो एग्जीक्यूट की, कौन सी, ब्रेक और पेज ब्रेक। क्या करता है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन। आप यहाँ पर जाकर कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद ब्रेक में पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ब्रेक पेज पेज ब्रेक लिखा हुआ नजर आ गया। अब अगर आप यहाँ को टेक्स्ट एंटर करते हैं तो अगले पेजेस पर इसकी सेहत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अगर एक भी लाइन अगले सफे पे चली जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली जो पेज नंबर है वो काउंट बदल जाएगा, और आपका ये पूरा हिस्सा एक सेपरेट पोर्शन है, ये इसका सेपरेट पोर्शन है, और ये एक अलग पेज की शक्ल में हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी पहली ऑप्शन। तो जब आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक कर लें, कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपने अपने पेज को ब्रेक करना है, आप वहां जाकर अपनी जो वर्किंग है उसको परफॉर्म करें, तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास पेज ब्रेक आपको लगाना आ जाए।
समटाइम ऐसा होता है कि मैं टीवी पे ना मैच देख रहा था, तो मैच देखने के दौरान ये हुआ कि मैच हो रहा था रात के तक 12:30 बजे। वहां पर मेरे पास एक जगह है, ये जगह स्कूल जगह है जहां पर हमें स्कोर बोर्ड शो करवाना है। होता ये है कि बेसिकली जो न्यूज पेपर छपता है या डिजाइनिंग का कोई भी काम किया जाता है, तो डिजाइनिंग बेसिकली चार कलर के अंदर प्रिंट की जाती है। इसमें स्यान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक प्लेट्स होती हैं जिन्हें प्रिंटिंग मशीन पर चलाया जाता है। वो करते ये हैं कि तीन प्लेटें चला लेते हैं और जो आपका कलर न्यूज पेपर है उसके ऊपर जो चौथी प्लेट होती है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चलाई जाती है। तो कैसे, इसके लिए जगह कैसे रखी जाती है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप इस पर कॉलम बना लें, आप इस पर टू कॉलम बना लिए, और अब यहाँ तक मैं लिखना चाहता हूँ, उसके आगे जगह छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप एंटर करते हैं तो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस, इट इज अ वेरी बैड पोस्टर। तो हम करते ये है कि कॉलम बनाने के बाद जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना है या अपने कॉलम को ब्रेक करना है, आप वहां कर्सर रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर या कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की यूज करते हैं। करती क्या है, इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। सो यू विल सी कि यहाँ कॉलम ब्रेक लग गया और बाकी टेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे आ गया। याद रखें ना, यहाँ आप तस्वीरें लगा सकते हैं ना कोई और वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन होता ही है क्योंकि न्यूज पेपर में जो प्लेट चलाई जाती है तो खाली प्लेट जो है वो चला दी जाती है ब्लैक कलर की, तो वो यहाँ पर अपना फोकस जो है वो प्रिंट कर देती है और ये क्विकली प्रिंटिंग जो है परफॉर्म हो जाती है। बाकी न्यूज पेपर सारा का सारा पहले ही छाप लिया जाता है। तो अगर आपने किसी भी कॉलम को ब्रेक करना हो तो उसके लिए आप कॉलम ब्रेक की ऑप्शन यूज करेंगे, IRD2। और जो नेक्स्ट ब्रेक है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप लिख रहे थे, आप यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, हम इसको प्रोफेशनल टेक्स्ट कटिंग ब्रेक कहते हैं। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज एक्सेप्शन टेक्स्ट फॉर अ बॉडी टेक्स्ट, क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर आपका ये जो सेक्शन ब्रेक है वो परफॉर्म हो गया है जिस पॉइंट पे शो यू, और आप देख सकते हैं कि ये मार्क आपका सेक्शन ब्रेक का है। अगर आप एंटर दबाते थे तो आपके पास जो है वो पैराग्राफ मार्क इंप्लीमेंट हो सकता है जो ये वाला है, जो कि अब मैंने यहाँ टेक्स्ट कटिंग ब्रेक किया जिससे आपका टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो गया और आपका ये हिस्सा लाइन यहाँ खत्म हो चुकी है। याद रहे जब मैं जस्टिफाई करूंगा तो ये खाली नहीं रहने देगा, ये यहाँ पे इसको ये पूरी लाइन कंसिडर करेगा और मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो इसी तरह से परफॉर्म हो जाएगी या वो इसी तरह से अवेलेबल नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये हमारी वर्किंग है ये इस तरह से आ गई है, हमने इसको यहाँ पर इस तरह से देख लिया कि ये मेरे पास क्या इंप्लीमेंट था और इसकी जो वर्किंग थी वो मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हुई। ये था आपके पास पहली कैटेगरी ब्रेक की, लेआउट से ब्रेक और डेट में ये तीन, पहले तीन ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड टेक्स्ट कटिंग ब्रेक। नेक्स्ट वन आर नाउ यूज मोर फ्रिक्वेंटली, दीज आर कॉल्ड एज सेक्शन ब्रेक। सेक्शन क्या होता है जी, सेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी एज अ डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। आप ऐसे जैसे जितना एक किताब होती है तो उसके अंदर चैप्टर होते हैं जो अपनी अलग अलग खसूसियात रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक फाइल के अंदर, वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास सेक्शन होते हैं जो अपनी वर्किंग जो है वो बरकरार रखते हैं, उन्हें सेक्शन ब्रेक से डील किया जाता है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, जैसे आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया आपके पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पर सेक्शन की, आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो नीचे आपका जो भी सेक्शन जो आपका करंट सेक्शन है उसे आप यहाँ पर देख सकेंगे और उसकी वर्किंग जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी या यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो हाउ वी विल डू दिस, अब मैंने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या इसकी वर्किंग किस तरह से करनी है, तो किस तरह से आप इसे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर उसकी वर्किंग और इंप्लीमेंट इसको डील करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये कहा कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन लगाने हैं। अभी देखें मैं इस सब में सेक्शन नंबर 3 जो है उसकी रीजन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो यानी कॉलम बनाते हैं तो आपका अपर, देखिए कॉलम बनता है तो उससे पहले वाला आपका अलग सेक्शन होता है, जहाँ आप कॉलम बनाते हैं वो आपका अलग सेक्शन होता है और उसके बाद वाला अलग सेक्शन होता है। मजे की बात यह है कि अगर मैं ये वाला सेक्शन यहाँ से खत्म करता हूँ तो मेरा नीचे वाली फॉर्मेटिंग जो है वो ऊपर वाले सेक्शन पर अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला सेक्शन जो था वो ऊपर वाले सेक्शन पर अप्लाई हो गया और कॉलम की जो ऑप्शन थी वो यहाँ से खत्म हो गई थी और मुझे यहाँ से रिमूव होती नजर आ रही थी। अगर आप सारा ही खत्म कर देते हैं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से ये सब कुछ खत्म कर देता हूँ, तो जैसे कि बॉटम वाला मैंने खत्म किया था ऊपर वाले पे अप्लाई होगी थी, मूव दिस लाइक दिस, तो मैंने ये कर दिया है, जैसे मैं ये खत्म कर देता हूँ, अब ये मेरा नॉर्मल है। आप देख सकते हैं कि अब डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल सेक्शन में आ गया।
याद रहे तो मेरा ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। मैं नंबरिंग लगा लेता हूँ, बड़े बड़े करके नंबर लगाना चाहता हूँ। कैसे करेंगी? इंसर्ट, आप हेडर से भी ऑन कर सकते हैं, नीचे पेज नंबर के ऑप्शन है। टॉप ऑफ द पेज में यूज करता हूँ ये नंबरिंग, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, क्लोज करता हूँ और मेरे पास फिर इस तरह से अवेलेबल हो गया 1 2 3 4 5, ताकि आपको क्लियर रहे। अब मैंने यहाँ पे करना है सेक्शन ब्रेक, तो मैं यहाँ पे देखिएगा सेक्शन ब्रेक करता हूँ, यहाँ रखता हूँ कर्सर। मैंने कहा मुझे सेक्शन ब्रेक लगाना है, लेआउट सेक्शन ब्रेक। आपको याद है आप जब पेज ब्रेक करते थे तो पेज अगला कर जाता था, नेक्स्ट पेज से भी अगला पेज बन जाएगा। तो मजे की बात यह है कि नेक्स्ट पेज से आपके पास दो काम हुए, एक आपका सेक्शन वन है और अगला आपके पास पेज भी ब्रेक हो गया, सेक्शन भी ब्रेक हो गया। अब इसका फायदा क्या है? देखो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर अगेन ब्रेक और नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक करता हूँ। अब ये कौन सा सेक्शन है? वन, ये टू, ये थ्री। मैं सेकंड सेक्शन को सेट करता हूँ और इसकी पेज ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर देते हैं। आप देखिए, ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बाकी सारे पोर्ट्रेट चाहते हैं और एक पेज जो है वो हम लैंडस्केप चाहते हैं। तो देखिए, सेक्शन ने अलग से अपनी सेटिंग बरकरार रखी, जो भी सेटिंग मेरे पास थी वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल मिल गई, ये यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया। ये था आपका सेक्शन बेस्ड कंटिन्यू। अब जरा थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 5। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सेक्शन नंबर 3 है। मैंने कहा ब्रेक करता हूँ और कंटिन्यूस कर देता हूँ। हुआ क्या है कि इसने इधर एक नया सेक्शन बना दिया, वो मुझे भी नहीं पता कि नीचे वाली वर्किंग क्या है। जस्ट गो देयर अगेन, मैं यहाँ रखता हूँ कर्सर और ब्रेक करके इसको एक न्यू सेक्शन बना देता हूँ, लेकिन पेज डिवाइड नहीं हो रहा। ये मेरा सेक्शन नंबर 3 है, ये सेक्शन 4 है और ये सेक्शन 5 है। अब आपको अक्सर कहा जाता है कि आप अपने इस हिस्से की इंडेंट चेंज करें, तो देखिएगा वो से मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसके पेज के साइज चेंज करने लगा हूँ, तो मैंने यहाँ से इसके मार्जिन से गया और मैं इसको नैरो मार्जिन कर देता हूँ। वो से देखिएगा क्या होता है, जैसे मैंने नैरो मार्जिन किए तो वो पूरे सेक्शन पे अप्लाई हो गए और आपका बाकी डॉक्यूमेंट वैसे ही रहा है, सिर्फ आपके इतने हिस्से पर जो आपका अलग सेक्शन था आपके नैरो मार्जिन अप्लाई हो गए। क्या बात डिफाइन हो गई है? सेक्शन इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ मैं आया, यहाँ पेज नंबर 6 है जो कि एक इवन पेज है। मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, ब्रेक पे क्लिक करता हूँ और इवन पेज पे चला जाता हूँ। तो जैसे ही आप सेक्शन काटेंगे तो दरमियान के और पेजेस खत्म हो जाएंगे, आप 6 से जंप करेंगे। देखिए, मैं 6 से जंप किया और 7 पेज खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट 8 पेज पे आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपकी किताब का चैप्टर खत्म होता है और उसकी बैक साइड ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए 6 के बाद 8 आ गया, 7 खत्म हो गया। और कभी अगर आपने ऑड पेज पे कर रहा हो तो 2.5 पे रखकर मैंने ब्रेक किया, ब्रेक ऑड पेज ब्रेक, सॉरी ऑड पेज सेक्शन ब्रेक, तो देखिए 9 के फौरन बाद आपका 11 आ गया। याद रखिएगा, इंग्लिश में आपका जो पहला पेज होता है वो 1 होता है और 1 की बैक साइड यानी 9 की बैक साइड खाली होगी और फिर अगला चैप्टर 11 से स्टार्ट होगा। तो वो जो पीछे दरमियान में पेज खाली छोड़ा जाता है वो इस तरह होता है। लेकिन अगर कोई आप में से ये कहता है कि सर इफ यू वांट ऐड सम टेक्स्ट हियर, तो याद रखिए अगर आपका ये ब्रेक यानी ये ऑड सेक्शन ब्रेक किसी इवन पेज पे होगा तो अगला ऑड ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। देखिए, अब ये इवन पे हुआ ब्रेक, 11 नंबर आपका वैसे अवेलेबल है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रेक की ऑप्शन जो है वो आपके पास इस तरह से डील करती है। अब आ जाते हैं जरा अपने असाइनमेंट की तरफ वापस। तो हमारी जो असाइनमेंट थी जो हम अभी बना रहे थे, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि मेरे पास ये सेक्शन थोड़ा सा नीचे आए थे, तो आप इसके सब नीचे मूव करें, अगले हर सेक्शन की सेटिंग खुद ही हो जाएंगी। देखिए, हर तरह की ओवरलैपिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर जो है वो करेक्ट होकर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो नंबरिंग है ये चेंज करना चाहता हूँ, तो जिस वन टू मूव मेरे पास चले वो रिजल्ट नहीं है ऊपर मेरे पास, मैं यहाँ रखता हूँ नंबरिंग नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सबसे बार नॉर्मल कर लेता हूँ पेज फॉर्मेट, तो कंटिन्यू द प्रीवियस सेक्शन। ओके, ये मैंने कर लिया, यानी ये 1 2 3 एंड देन सो ऑन।
अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिंकिंग है ये खत्म हो जाए। यहाँ लिंक टू प्रीवियस की ऑप्शन आ रही है, इसको ऑफ कर दें। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे अब आपका ये पेज जो है ये अलग से ट्रीट होगा, यानी इसका पिछले से ताल्लुक जो है वो खत्म हो गया है और अगली सेटिंग जो है, यहाँ तक तो लिंक टू प्रीवियस था बट जब आप यहाँ जाएंगे तो आपकी लिंक टू प्रीवियस की सेटिंग खत्म हो जाएगी और आपकी नए सिरे से सेटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। आप इसे जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप वर्किंग देना चाह रहे हैं, आप इसे वहां से अपने वर्कआउट में स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सेटिंग प्रीवियस से लिंक ब्रेक हो जाएगा और आपका जो पेज है वो कंसिडर होगा कि अलग से आपका सेक्शन है। अगर आप लिंक को प्रीवियस करते हैं फिर पिछले पेज से ही जुड़ा हुआ नजर आएगा, अदरवाइज आपकी जो वर्किंग है वो आपको अलग से डिफाइन होगी और अलग से आपको इंक्रीमेंट में मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आपको क्लियर हो गई होगी एंड यू विल ऑल्सो कंफर्म विद द वन विच इज कॉल्ड ब्रेक। हमने ये भी ऑप्शन यहाँ से क्लियर कर ली। एक और ऑप्शन है और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अक्सर डॉक्यूमेंट को टाइप करते हुए हमारे पास ऐसे होता है कि लफ्ज जो है वो पूरा नहीं आ रहा, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ देखें तो कुछ लफ्ज होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा वो दरमियान में ऐसे हाइफन लगाई होती है और फिर बाकी अगली लाइन में लिखा जाता है। इस चीज को हाइफनेशन करना कहते हैं। कैसे करते हैं? कंट्रोल ए किया, आपके पास ऑप्शन है हाइफनेशन की, आप ऑटोमेटिकली हाइफनेट ऑन कर दें। मैं देखता हूँ कि अगर कहीं मेरे पास से हाइफनेशन अप्लाई हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सादा था, तो यहाँ देखें तो आपका लफ्ज था डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को उसने तोड़ दिया और DOCU डैश लगाई जैसे अक्सर इंग्लिश के नॉवल्स के अंदर लिखा होता है और ऑटोमेटिकली मेरे पास कर दिया। मैं कहता नहीं मेरे से पूछे कहाँ करना है, मैंने नन कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट अगली लाइन पे पूरा आ गया, जस्टिफाई हो चुका है। आप क्लिक करें मैनुअल कर दें, अब वो आपसे पूछ रहा है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, तो आपकी मर्जी है कहाँ आप हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ किस तरह मिलती है, आप इसकी मदद से भी अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ आई एक्सपेक्टिंग के लेआउट का जो टैब है वो आपने काफ़ी हद तक देख लिया है और आप इसके ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो मुकम्मल कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपनी असाइनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कवर करना शुरू करेंगे और अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी असाइनमेंट जो है वो आपकी तरफ ड्यू हो जाएगी। आपने इसको कंप्लीट करना है ताकि जब आप इसे सबमिट करवाएं तो आपको प्रॉपर मार्किंग जो है इसके लिए की जा सके। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो